वंस अगेन वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरा नाम है नयाब और आप देख रहे हैं बीस फिटनेस। तो फ्रेंड्स लेट्स गेट इनटू द बिजनेस। फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पीसीटी के दौरान आप अपना मैक्सिमम मसल मास किस तरह बरकरार रख सकते हो, मेंटेन करके रख सकते हो, जो आपने साइकिल के दौरान आपने गेन किया है। फ्रेंड्स अगर ऑनेस्टली बोलो तो ये किसी को भी नहीं पता है कि आप कितना मसल मास मेंटेन करोगे। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने इतने दिन से सीखा है, वो मैं आपको बताऊंगा। बिकॉज़ कोई बता नहीं सकता कि ड्यूरिंग द साइकिल वो बंदा क्या यूज़ कर रहा था, उसका जेनेटिक्स क्या है और जो और सारे सप्लीमेंट्स उसने क्या क्या ऐड किया था। तो हर बंदा एक डिफरेंट तरीका से रिएक्ट करता है पोस्ट साइकिल थेरेपी में कि वो कितना मसल गेन करेगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत सारे लड़के पूछते हैं कि मैं कुछ मेडिसिन यूज़ करके कितना केजी गेन कर लूँगा या साइकिल के बाद कितना केजी मेरे पास रहेगा। तो ऑनेस्टली फ्रेंड इसका कोई भी आंसर नहीं है। ये सारे आपके जेनेटिक्स, आपके हार्डवर्क, आपके स्लिप पैटर्न, आपके डाइट और आप कितना पुश करते हो, ये सारे इस पर डिपेंड करता है। मे बी आपको लग सकता है ये टॉपिक नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ये इससे ही रिलेटेड है। ये सारा चीज़ बहुत ज़्यादा फैक्टर करता है, लेकिन इन सारे चीज़ों को लोग समझते नहीं हैं और इग्नोर करते हैं। फ्रेंड्स कुछ चीज़ें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब आप पीसीटी कर रहे हो तो उस वक्त स्लोपी मत हो। आपके लाइट वेट आप लिफ्ट करोगे और उस तरह से ट्रेनिंग नहीं करोगे। पुश योरसेल्फ, आप जितना साइकिल के दौरान कर रहे थे विथ करेक्ट फॉर्म, उससे भी ज़्यादा आप लिफ्ट करने का ट्राई करो विथ करेक्ट फॉर्म, डोंट गेट इंजर्ड। तो जब आप अपने आप को पुश करते हो तो देन यू गेट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। आप जितने भी सारे बॉडी बिल्डर्स को देखते हो जो एलिट लेवल पर होते हैं, वो कभी भी स्लॉपी नहीं होते हैं ड्यूरिंग द पीसीटी। वो लोग पीसीटी अच्छे से करते हैं और ईयर अराउंड अच्छा खाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे बंदे जो कंपटीशन खेलते हैं या फ़ोटोशूट, उनके फ़ोटोशूट या कंपटीशन के बाद जंक खाना शुरू कर देते हैं और जो हमारे इंडियन होममेड फूड्स होता है उसको खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि बॉडी नहीं रहेगा। इट इज़ जस्ट योर माइंड। अगर आप चाहते हो तो अपने बॉडी को मेंटेन करके रख सकते हो। करना क्या है, आपको स्लोपी नहीं होना है, आपको लेज़ी नहीं होना है, अच्छे से पीसीटी करना है और अच्छा खाना खाना है। मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप 5 मील खा रहे हो तो आपको पता नहीं है कि जो आप 6ठा मील खाने से आपके बॉडी में क्या डिफरेंस आ सकता है। तो कीप पुशिंग फ्रेंड्स, और जो आप खा रहे हो उस पर ध्यान दो। बिकॉज बॉडी बिल्डिंग इज़ वेरी लोनली, बॉडी बिल्डिंग इज़ वेरी सॉलिट्यूड स्पोर्ट्स। मे बी आपका पार्टनर हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको वर्कआउट खुद ही से करना है, खाना भी खुद ही से है। मे बी आपको लग सकता है ये इस टॉपिक में ये नहीं आता है, लेकिन ये बहुत अहम किरदार प्ले करता है ये सब चीज़ों में। आपको हर तरीका से काम करना पड़ेगा ताकि आपका जो मसल मास है वो कम ना हो, आप उसे प्रोक्योर करके रख सको। और एक चीज़ मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर जो पीसीटी करते हैं वहाँ पे वो GHRP6 पेप्टाइड्स वगैरह ऐड करते हैं, लेकिन कुछ बंदों के लिए प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और हमारे ट्रेनर्स ने इसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बना दिया है। इतना भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, 9,000-10,000 में आ जाता है 100 IU। तो बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स इसे यूज़ करते हैं, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स साम्स यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द पीसीटी ताकि उनका मसल मास बरकरार रहे, मसल मास को प्रोक्योर करके रख सके। और इट वर्क्स, ये काम करता है फ्रेंड्स एचजीएच, और साइड इफ़ेक्ट एचजीएच का बहुत हद तक मिनिमल है, तो ये काम करता है। और एक बात बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स मैं आपको, आप पीसीटी को कभी भी लाइटली मत लो। मैं ये देखता हूँ कि लोग पीसीटी को पता नहीं इतना बड़ा झंझट समझते हैं, जबकि नॉलवाड एक्स क्लोमिड 80-30 रुपये में केमिस्ट शॉप में अवेलेबल है, फिर भी पता नहीं पीसीटी नहीं करते हैं और अपने मसल मास को लूज़ करते हैं और जो अपने सेक्स लाइफ को रिस्क पे डालते हैं। तो पीसीटी इतना इजीली अवेलेबल है, लेकिन इसे लोग पता नहीं डरते, समझ ही नहीं पाता उनके मेंटेलिटी को। वो यूज़ करना चाहते हैं एनाबॉलिक्स लेकिन पीसीटी नहीं करना चाहते, जबकि पीसीटी बहुत इजीली अवेलेबल है बहुत कम दाम में। तो आप पीसीटी अच्छा से करो अगर आपने ट्राई किया एनाबॉलिक्स यूज़ करने का, बिकॉज़ अगर आप अच्छे से पीसीटी नहीं करते हो तो आप अपने हेल्थ को रिस्क में डाल रहे हो, अपने सेक्सुअल लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो और जो आपने मसल गेन किया है वो तो जाएगा ही जाएगा। तो पीसीटी को लाइटली मत लो, आप स्लोपी मत हो, लेजी मत हो, पीसीटी को सीरियसली करो। फ्रेंड्स मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, जब आप पीसीटी पे यूज़ करो तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को दोबारा लाने पर, और ओवरऑल आप अपने मसल मास को बरकरार रख सकते हो।
आप गार्लिक यूज़ करो फ्रेंड्स, जब भी आप चिकन वगैरह खाते हो गार्लिक बहुत नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। मैंने कभी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सप्लीमेंट यूज़ नहीं किया, मैं पीसीटी में गार्लिक यूज़ करता हूँ और ऐसे भी यूज़ करता हूँ। टॉन्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट और ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली बढ़ाता है। तो ड्यूरिंग द पीसीटी आप गार्लिक यूज़ करो, 5-6 क्लोव्स लो उसका जब भी आप लंच वगैरह करते हो। और जेड एम ए लो फ्रेंड्स, क्योंकि ड्यूरिंग द पीसीटी आपको 8 घंटा सोना ही सोना है। मैंने बहुत सारे बंदों को देखा है फ्रेंड्स जो पार्टिंग करते हैं बहुत ज़्यादा और जो अच्छे से लाइफस्टाइल गुजारते हैं, उनके बॉडी और उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है। भले ही वो बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है लेकिन वो प्रॉपर स्लीप नहीं कर रहा है, प्रॉपर उसका स्लीपिंग पैटर्न प्रॉपर नहीं है, वो 8 घंटे नहीं सोता है तो उसका बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो मेक श्योर फ्रेंड्स आप जेड एम ए लो और अच्छा से आप 8 घंटा आप अपना नींद कंप्लीट करो, अपना स्लीपिंग पैटर्न सही करो। ये आपके मसल मास को प्रोक्योर करता है और आपका मसल मास लूज नहीं होता है। तो छोटे छोटे चीज़ पीसीटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप ये सब चीज़ें अच्छा से नहीं करोगे देन यू गोना लूज ऑल द मसल मास यू हैव गॉट ड्यूरिंग द साइकिल। एट द एंड ऑफ द डे आपको स्लोपी नहीं होना है, अपने डाइट को अच्छा रखना है, क्लीन खाना है पीसीटी के दौरान भी। और अगर आप बहुत किसी को सुनते होगे कि बहुत कोई बोलते हैं अब तो बल्किंग करूँगा, अब कुछ भी खाऊँगा, कॉम्पिटिशन ख़त्म हो गया, जंग खाऊँगा, और उसके बाद भी आप देखते हो कि वो बंदा अच्छा लग रहा है, मे बी वो जेनेटिकली गिफ्टेड हो सकता है लेकिन आप नहीं है। तो अगर आप उस तरह खाते हो, अपना सब कुछ उस तरह चेंज करते हो खाना पीना, तो आप बहुत ज़्यादा फैट गेन कर लोगे, आपका फेस वगैरह पफी हो जाएगा। बिकॉज कौन किसका जेनेटिक्स क्या है, मे बी वो हो सकता है वो कुछ भी खाता हो उसका मसल गेन होता है बिकॉज ही इज़ जेनेटिकली गिफ्टेड और आप नहीं हो उस तरह से। तो आपको दूसरे के बहकावा में नहीं आना है, खुद का दिमाग लगाना है आपको, आपका बॉडी क्या सूट करता है, आपका बॉडी किस तरह रिएक्ट करता है। और अपने फूड को अच्छा रखो फ्रेंड्स, बिकॉज जब तक आप इंजन में फूड नहीं डालते हो कुछ नहीं होगा, भले आप कोई भी मेडिसिन लो, कुछ भी करो, फूड इज़ द मैंडेटरी फॉर ग्रोथ। आप ये मत समझना कि मैं आउट ऑफ द टॉपिक गया हूँ इस वीडियो में, ये सारे चीज़ें मैटर्स करते हैं और अगर आप इन सब चीज़ों पर ध्यान डालते हो तो बहुत ज़्यादा आप अपने फिजिक को एलिट लेवल पर ले जा सकते हो, क्योंकि पीसीटी में ये सब चीज़ ही मैटर करता है। और मैंने ग्रोथ हार्मोन का बारे में आपको बता दिया, GHRP6 वगैरह यूज़ करते हैं बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स आजकल, ये बहुत कॉमन हो चुका है जब वो पीसीटी करते हैं ताकि उनका मसल मास प्रोक्योर हो सके, प्रोक्योर करके रख सके, बरकरार करके रख सके। और इन सब चीज़ों के अलावा भी आपको जो मैंने बताया है जेड एम ए और जो भी चीज़ आप साइकिल के दौरान ले रहे थे लाइक मल्टी विटामिन, विटामिन ई और कॉड लीवर ऑयल, ये सब आपको कंटिन्यू रखना है, आपको स्लोपी नहीं होना है, लेजी नहीं होना है और इन सब चीज़ों को छोड़ना नहीं है। बॉडी बिल्डिंग में फ्रेंड्स आपको हमेशा खुद को मेंटेन रखना पड़ेगा, पार्टिंग वगैरह को छोड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये सब बहुत कॉमन है बिकॉज वी आर द बॉडी बिल्डर्स, हम लोग को पता है हम लोग पार्टिंग करने के लिए नहीं बने हैं। अगर आप करोगे आपका स्लीप पैटर्न ख़राब होगा, आपका बॉडी ख़राब होगा। तो अपने आप को हमेशा चार्ज रखो, अच्छे फूड खाओ और हमेशा माइंड में ये बात रखो कि मैं अपना फिजिक किस तरह अच्छा कर सकता हूँ अच्छे डाइट से, और डाइट को हमेशा टाइम पर लो। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स आप 80% तक मसल मास प्रोक्योर करके इजीली रख सकते हो अगर आप ये सब करते हो। आपका जस्ट आपका मेंटेलिटी स्ट्रांग होना चाहिए, आपका विल पावर अच्छा होना चाहिए और आप स्लोपी मत होना कभी भी ड्यूरिंग द पीसीटी, और अपने आप को लूज मत छोड़ना, अपने आप को पुश करना। सो दैट्स इट फ्रेंड, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया किस तरह आप मेंटेन कर सकते हो ड्यूरिंग द PED, किस तरह अपना आप। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा वीडियो मैंने बताया PED के ऊपर आप किस तरह मसल मास बरकरार करके रख सकते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना।